लगभग 12,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला एक व्यक्ति, वो बेहोशी की हालत में था। अचानक ही उसकी आंखें खुलती हैं। जब आंखें खुलकर देखता है तो वो एक आलीशान कमरे के अंदर था, आलीशान घर के अंदर था। जिस बिस्तर पर वो लेटा हुआ है, वो बिस्तर कोई सामान्य नहीं था, बल्कि असामान्य था। इससे पहले उसकी जिंदगी में ऐसा बिस्तर कभी नहीं आया था। जब उस पर हाथ फेरता है, तब मखमली गद्दा देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं। और जैसे खुलने के बाद देखता है, उस कमरे के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु थी, कौन सी चीज थी जो दिख नहीं रही थी। बेहद खूबसूरत, लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि वही पास में ही एक सोफा रखा हुआ है। सोफे पर 3 लड़कियां बैठी हुई, साथ ही एक लड़की जो बिल्कुल फ्रिज के करीब है। उन लड़कियों को देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल उन लड़कियों ने अंडर गारमेंट्स पहने हुए थे, इसके अलावा कोई कपड़ा उनके तन पर था ही नहीं। वो सोचने पर मजबूर था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सपना था, लेकिन वो सपना नहीं था बल्कि सच सच था। और ऐसा सच, इतना भयानक सच था कि उसने उस सच की कभी कल्पना ही नहीं की थी। एक लड़की उसके पास में आती है, गिलास में पानी देती है या कुछ गोलियां देती हैं, बोलती हैं इनको खा लो। वो लड़का ना नुकर भी करता है, लेकिन उसने मजबूरी में वो गोलियां खानी पड़ती हैं। उन गोलियों को खाते ही उसके शरीर में अलग तरीके के बदलाव देखने को मिलते हैं। उसके साथ जो होता है उसने कभी कल्पना नहीं की थी। और आज इस बात की गूंज हर अखबार, हर टेलीविजन में, वेब पोर्टल पर गूंजती रहती है और गूंज भी रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार उस 4 लड़कियों ने उस मजदूर के साथ ऐसा क्यों किया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं अनोखा जुर्म। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। पंजाब के एक शहर है जालंधर, उसी शहर का एक इलाका लगता है कपूरथला रोड। दरअसल 21 नवंबर 2022 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास, जब सड़कों पर पूरी तरीके से अंधेरा था, स्ट्रीट लाइटें जली हुई थी, एक मजदूर अपने फैक्ट्री से काम करके, चमड़ा फैक्ट्री से काम करके घर की तरफ जा रहा था। तभी उसके बराबर में एक सफ़ेद रंग की कार आकर रुकती है। और जैसे ही कार रुकती है तो उस कार में से शीशा नीचे होता है, उस व्यक्ति की तरफ आवाज़ जाती है और बोलती है, भाई साहब सुनो, आपसे बहुत ज़रूरी काम है। जैसे ही वो लड़का उस कार के पास पहुंचता है तो अंदर से एक पर्ची दिखाते हुए एक लड़की बोलती है कि हमें इस पते पर जाना है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो, हमें इस पते के बारे में कुछ जानकारी हो तो बताओ। वो बोलता है कि मैडम, मैं तो एक चमड़ा फैक्ट्री में काम करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये एड्रेस कहाँ का है मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मैं 400 रुपये रोज कमाता हूँ, इससे ज़्यादा की मेरी औकात भी नहीं है। जब इस तरीके की वो बातें कर रहा था, अपनी बात रख ही रहा था कि अचानक से उसके चेहरे पर कुछ ठंडी ठंडी वस्तु आकर गिरती है, जिसको इससे पहले कि उस चीज़ को वो समझ पाता, उस केमिकल के, उस चीज़ के बारे में समझ पाता, तब तक वो बेहोश हो चुका था। और बेहोश होने के बाद वो कुछ देर, यानी कि 7 बजे का ये वाक्य है, लगभग 2 घंटे के बाद रात के 9 बज चुके थे, तब उसकी आंखें खुलती हैं। और आंखें खुलने के बाद एक बड़े से आलीशान घर के कमरे के अंदर, उस कमरे में ऐसे सुख सुविधाओं की हर वस्तु थी, हर चीज़ थी। जिस दीवार पर, छत पर, जगह पर नजर मार रहा था, उसने अपनी जिंदगी में उससे पहले ऐसा घर, ऐसा कमरा नहीं देखा था। तब एक लड़की उसके पास में आती है, वो लड़की उसको कुछ गोलियां देती है, पानी देती है। और जब वो उसका विरोध करने की कोशिश कर रहा था, तब उन लड़कियों ने कहा कि तुम्हारे साथ वो अंजाम किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। हाथ और पैर पूरी तरीके से बांध दिए गए थे, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कोशिश कर भी नहीं सकता था। तब मजबूरी में आकर उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने, वो शांत पड़ा रहा और उसने अपनी आंखों से देखा कि उन लड़कियों ने अपने एक एक कपड़ों को तन से अलग करना स्टार्ट कर दिया था। जब उनके तन पर महज अंडरगारमेंट्स रहते हैं, तब उन लड़कियों ने वहीं शराब रखी हुई थी, शराब को पीना स्टार्ट कर दिया था। इससे भी हैरान करने वाली बात ये थी कि किसी भी लड़की की उम्र 20 साल से कम नहीं थी और 24 साल या 25 साल से ऊपर नहीं थी। वो लड़कियां कभी आपस में अंग्रेजी में बात करती थी तो कभी पंजाबी में। वो मजदूर ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिरकार उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो जब उसको गोलियां और वो पानी पिलाया गया तो उसे पीते ही उसके शरीर में अलग तरीके के बदलाव स्टार्ट होने लगे। और जब बदलाव होने लगे तो उन लड़कियों ने उसके शरीर पर अलग अलग तरीके से ऐसी हरकतें स्टार्ट कर दी करना कि
कि शायद उस लड़के को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उस व्यक्ति को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से उस लड़कियों ने अपने बारी बारी से, जिस तरीके से कंपटीशन होता है, कंपटीशन कुछ इस तरीके से होता है कि बारी बारी से उसके साथ रेप करने लगती हैं, बलात्कार करने लगते हैं। जैसे कि कोई पुरुष किसी महिला का रेप करता है, बलात्कार करता है। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि मुझे, मैडम तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं मजदूर हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, तुम ये सब क्यों कर रही हो। लेकिन वो चारों के चारों लड़कियां हवस की भूखी थी, अंधी थी, और शायद उन्हें कुछ भी, अपने ख्वाहिशों को पूरे करने के अलावा शायद उन्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। और धीरे धीरे करके रात के 3 बज जाते हैं। 3 बजे तक उसके साथ वो ऐसे ही घिनौना कृत्य, घिनौना काम करती रही। और जब 3 बज जाते हैं, जिस तरह से वहां से किडनैप करके उसका हाथ और पैर बांध कर वो लेके आई थी, ठीक उसी तरह से हाथ और पैर बांध कर उसको उसी जगह की ओर पर, उसी इलाके के आसपास फेंक देती हैं। अगला दिन वो लड़का सीधा थाने पहुंचता है, और थाने जाने के बाद अपनी बात, अपनी परेशानी उससे पहले बताने की कोशिश करता। थाने से बाहर ही वो वापस लौट कर आ जाता है, क्योंकि वो गरीब आदमी था। वो ये कहते हुए कि शायद पुलिस इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, नहीं करेगी। तभी वो लड़का अपने घर जाता है, और घर जाने के बाद रात बीती हुई सारी बातें अपने घर वालों को बताता है, और यही बात उसके घर वालों के माध्यम से बात मीडिया तक पहुंच जाती है। और जब बात मीडिया तक पहुंचती है, तो ऐसा कौन सा अखबार, ऐसा कौन सा टेलीविजन का वेब पोर्टल था, या फिर अखबारों में कौन सी जगह थी जहां पर इस घटनाक्रम को पूरी जगह नहीं मिली। और जब लोगों को ये पता चला कि 4 बड़े घर की लड़कियों ने एक मजदूर के साथ रेप किया, बलात्कार किया, वो भी रात के 9 बजे से शुरू होकर सुबह के 3 बजे तक वो ऐसे ही करती रहीं। साथ ही उन्होंने जिस तरह का स्प्रे, जिस तरह की गोलियां, जिस तरह की चीजें उसको दी थी, उसके बाद उन्होंने अपनी उस हवस को पूरा तो कर लिया था। लेकिन ये बात जब अखबारों में छप जाती है, तब जालंधर पुलिस और पंजाब पुलिस हरकत में आती है, और उन लड़कियों की तलाश में जुट जाती है। उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमराज थे, जितने भी जगह थी, उन सबको तलाशने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सफेद कार के बारे में पता चल सके। सफेद कार में बैठी हुई वो कौन कौन लड़कियां थी, किस घर की लड़कियां थी, और किस घर में जाकर उसके साथ ऐसा हुआ था, इस सब की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब उस लड़के के पास में पुलिस वाले और मीडिया वालों ने बातचीत करने की कोशिश की कि तुमने फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, तो घर वालों ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हमारा अपना ये आदमी जिंदा वापस लौट कर आ गया, हमें इसी बात की खुशी है। वो चारों लड़कियां चाहती तो शायद इसका मर्डर भी कर सकती थी, इसको मार भी सकती थी, नुकसान भी पहुंचा सकती थी, लेकिन उन्होंने उसके साथ शारीरिक शोषण करने के अलावा और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। वैसे भी गरीब आदमी है, महीने के 10-12 हज़ार रुपये कमाते हैं, इससे घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता है। ऐसे में कहाँ पर जाकर केस लड़ेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं पा रहे। लेकिन हर कोई इस बात को जानना चाहता है, जालंधर पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, कि ये चारों लड़कियां कौन थी, कहाँ से आई थी, आखिरकार उन्होंने इसके साथ ऐसी गंदी हरकत क्यों की, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है, या फिर वो लड़कियां ऐसे ही रात को सड़कों पर निकलती हैं और किसी भी व्यक्ति को बेहोश करके अपने घर में ले आती हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हर किसी के दिमाग में, जो कि जानना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे लोगों की इस बात की जानकारी मिली खबरों के माध्यम से, तब लोग इस घटना को लेकर चटकारे भी ले रहे हैं और हैरानी भी कर रहे हैं कि एक तरफ लड़कियों के साथ गंदा काम होता है, एक तरफ लड़कियों को हवस का शिकार बनाकर उनकी हत्या कर दी जाती है, और एक जमाने में, इस समाज में ऐसी भी लड़कियां हैं जो लड़कों का भी शोषण कर रही हैं। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, इसके बारे में जालंधर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है, और उनका दावा है कि जितनी जल्दी हो सके इस सच को दुनिया के सामने रखकर इससे पर्दा जरूर उठाया जाएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद।